ब्रिटिश मेडिकल जर्नल स्टडी के अनुसार सुबह 5:48 का ब्रह्म मुहूर्त सेक्स के लिए बहुत ही अच्छा। जानिए सुबह सेक्स करने के 7 रोचक बातें। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सुबह जल्दी उठना ये तो बेस्ट ही है। मतलब कोई भी आप किताब खोलो, यूट्यूब का वीडियो देखो, कोई भी डाइटिशियन को पूछो, कोई भी हेल्थ कोच को पूछो, बोलते सुबह उठो, सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है। मराठी में तो ऐसा कहते हैं कि लवकर निजे लवकर उठे तया ज्ञान संपत्ति भेटे। इसका मतलब जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है उसको ज्ञान और संपत्ति बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके साथ साथ उसका सुबह का सेक्स भी अच्छा होता है और सेक्स में भी बहुत अच्छे फायदे यदि आप सुबह उठे तो होते हैं, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। जल्दी उठना इसके बदले जल्दी सोना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जल्दी सोते हैं तो आप सुबह जल्दी उठेंगे। तो उठने के बदले सोने का अलार्म लगाओ कि रात को हम 10 बजे सो जाएंगे, सोने का 10 बजे का अलार्म लगाओ। और अलार्म 10 का मत लगाओ, 9 का लगाओ, ताकि 9 बजे आपकी एक्टिविटीज़ बंद करेंगे और वो सोने के मूड में चले जाएंगे। सुबह आपने 5 बजे उठना चाहिए। इसके लिए अलार्म जो है आपका वो भी आप दूर रख सकते हैं, ताकि आपको उठ के जाना पड़ेगा और वैसे आप सूज नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे। ये जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है इसमें आप उठते हैं तो ये बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी का समय होता है। आप सुबह उठो, ब्रश वगैरह करो, पानी पियो और आप बहुत क्रिएटिव सुबह होते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी बाहर आ सकती है। आप नए नए स्किल्स मास्टर कर सकते हैं, नई नई बातें सीख सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि आप फिट रहेंगे, और सुबह आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होती है सुबह, आपको डिस्टर्ब करने वाला बहुत कम होता है, जीरो डिस्ट्रैक्शन। अब इसके लिए और एक बात जरूरी है, वो है कि रात का जो खाना है वो बहुत ही हल्का होना चाहिए, क्योंकि यदि आप डाइजेशन में अपनी एनर्जी गंवा देते होंगे रात में तो नींद बहुत ख़राब हो जाएगी। तो डाइजेशन यदि ऑन है तो स्लीप गॉन है, तो डाइजेशन एकदम मतलब उसको ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए पेट को, और इसके लिए शाम को 7 बजे के पहले ही खाना खाना जरूरी है। अब आते हैं कि सेक्स के बारे में। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल स्टडी के अनुसार एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि सुबह का 5:48 का समय जो है वो सेक्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अलग अलग स्टडीज़ में अलग अलग बातें बताई हुई है। इतना पक्का ही है कि मॉर्निंग इरेक्शंस लोगों को आते रहते हैं, और मॉर्निंग इरेक्शन मतलब सुबह सुबह लैंगिक कठोरता आना ये बहुत अच्छी बात है। सुबह लैंगिक कठोरता आती है तो ये दर्शाता है कि आपको शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पक्का है। यदि सुबह इरेक्शन आता है तो यदि आपको शारीरिक प्रॉब्लम है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम है, सुबह लैंगिक कठोरता नहीं आती है तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। रात में भी नॉक्चर्नल इरेक्शंस जो है, रात के इरेक्शंस, ये कम से कम 4-5 बार रात में नींद में इरेक्शन आते हैं, वो भी आना जरूरी है, और वो आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा समझ सकते हैं फिर। तो 2018 में एक स्टडी हुई, 1000 लोगों की स्टडी की और उनको पूछा गया तो 53% लोगों ने ऐसा बोला कि सुबह सेक्स करने के बाद में उनको बहुत ही ऊर्जावान लगा। तो नंबर एक का पॉइंट है कि सुबह आप जब सेक्स करते हो तो आपको दिन भर ऊर्जावान लगता है, नंबर एक। नंबर दो, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है सुबह आप जब उठते हैं तो, और आप दिन भर बहुत फोकस रहते हैं। और वैसे यदि सुबह आप सेक्स करते हैं तो सेक्स में भी आप फोकस रहेंगे, आप बीइंग प्रेजेंट टू द प्रेजेंट रहेंगे, और जिससे आपका सेक्स जो है वो अच्छा हो जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। नंबर तीन, सुबह लिबिडो बहुत अच्छा होता है, टेस्टोस्टेरोन की लेवल बहुत ज़्यादा होती है सुबह के समय, और जब टेस्टोस्टेरोन की लेवल अच्छी होती है तो नेचुरली सेक्स अच्छा ही होगा। टेस्टोस्टेरोन की लेवल सुबह अच्छी होती है उसके बारे में मैंने अलग वीडियो में जिक्र किया है। सुबह फील गुड हार्मोन्स जो है वो भी अच्छी मात्रा में स्त्राव उनका होता है, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, इनकी मात्रा अच्छी होती है, और इससे भी फील गुड अच्छा होता है, मतलब अच्छा लगता है, और आप सेक्स में भी आपको मज़ा आ जाएगा। और सुबह सुबह पति पत्नी की बॉन्डिंग भी अच्छी रहती है, क्योंकि रात को नींद अच्छी हो जाती है, सवेरे फ्रेश लगता है, तो बॉन्डिंग भी अच्छी हो सकती है। नंबर चार, वीर्य की गुणवत्ता जो है वो सुबह अच्छी होती है, स्पर्म क्वालिटी। एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि 12% स्पर्म क्वालिटी अच्छी रही सुबह के स्पर्म में, सुबह के वीर्य में।
तो गर्भधारणा की संभावना सुबह अच्छी होती है। तो जिनको जिनको गर्भधारण का प्रॉब्लम है सुबह सेक्स करना चाहिए। नंबर 5, स्ट्रेस कम रहता है सुबह। 7-8 घंटे की आपकी नींद हो गई, फ्रेश लगता है सुबह, और सुबह सेरोटोनिन डोपामिन जब अच्छे रहते हैं तो उससे स्ट्रेस कम होता है, और जब स्ट्रेस कम रहता है और डोपामिन सेरोटोनिन की मात्रा अच्छी रहती है तो नेचुरली ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इरेक्शन अच्छा होगा, और सेक्स करने में बहुत आपको अच्छा लगेगा बिकॉज रिड्यूस स्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन। नंबर 6, सुबह जब आप उठते हैं तो बेलफास्ट के क्वींस यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है, उन्होंने ऐसा बोला कि आप यदि एक हफ्ते में 3 बार सेक्स करते हैं तो आपकी हार्ट कंडीशन, आपका ब्लड सर्कुलेशन ये अच्छा हो जाएगा, और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो हार्ट कंडीशन के लिए और सर्कुलेशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए भी सुबह सेक्स करना अच्छा है स्टडी के अनुसार। 7वां पॉइंट है कि सुबह सुबह सेक्सुअल एंग्जाइटी या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कम होती है, और जब परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, सेक्सुअल एंग्जाइटी कम है तो नेचुरली सेक्स आसानी से हो सकता है। जिनको जिनको सेक्स करने का डर है, भय है, वो सुबह सेक्स करते तो उनका नॉर्मल हो जाएगा। तो ये 7 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से दोहराता हूँ। 1 तो है कि दिन भर लोगों को ऊर्जावान लगा सेक्स सुबह करने के बाद में। 2, फोकस सेक्स करने से परफॉर्मेंस अच्छा रहा। 3, लिबिडो बढ़ता है बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। 4, स्पर्म की गुणवत्ता अच्छी रहती है। 5, डोपामिन सेरोटोनिन से स्ट्रेस कम होता है और परफॉर्मेंस अच्छा होता है। 6, सुबह सेक्स करने की हार्ट की कंडीशन अच्छी होती है, सर्कुलेशन, बीपी अच्छा होता है। 7, सेक्सुअल या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कम होती है। इसलिए सुबह सेक्स करने में अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, टेस्टोस्टेरोन की लेवल अच्छी रहेंगी, और जिनको जिनको इरेक्शन का प्रॉब्लम है, इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, वो सुबह सेक्स करते हैं तो सेक्स की प्रॉब्लम निकल जाएंगी, समस्या निकल जाएंगी, और यदि गर्भधारण की प्रॉब्लम है वो भी अच्छी हो सकती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर तमाम लोगों को शेयर करो, जिनको जिनको प्रॉब्लम्स है आपको ऐसा लगता है, या लोगों को शेयर करो। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।